मैंने 1/8 कप किनुआ भिगोया है पानी में और इसको हम 2-3 बार बहुत अच्छे से पानी से धोएंगे और धोने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए साफ पानी में सोक करके रख देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हम घी डालेंगे और घी डालने के बाद हम इसमें चॉप कैश्यू डालेंगे एंड चॉप आलमंड्स डालेंगे और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। जब अब ये सौते हो चुका है तो अब हम इसको एक बाउल में बाहर निकाल लेंगे। और अब हम इसी सेम पैन में हम अपने जो हमने किनुआ भिगो के रखा था उसे हम थोड़ा सा सौते करेंगे। काफी 2 मिनट के लिए सोते हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे और 1/2 कप और हमने इसमें टोटल 1.5 कप दूध डाल दिया है। मैंने इसमें स्किम्ड मिल्क यूज किया है, आप चाहें तो इसमें फुल क्रीम भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसका गैस स्लो कर देंगे, सिम पर करके हम इसको कवर कर देंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक हमारा किनुआ सॉफ्ट हो जाता है या पूरी तरह गल जाएगा। बीच बीच में हम इसको थोड़ा चलाएंगे ताकि ये जले नहीं। हमारी किनुआ पुडिंग एकदम रेडी है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं थोड़ा सा दबा के, ये अच्छे से दब रहा है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, कार्डमम पाउडर और 2 टीस्पून शुगर और एज पर योर चॉइस आप जितना मीठा खाते हैं आप उतना डाल सकते हैं। और ये सेफ्रन मिल्क हमने तैयार किया है, थोड़े से गरम दूध में हमने ये सेफ्रन भिगो के रख दिया था जो हम इसमें डाल रहे हैं। और हमारा किनुआ पुडिंग बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़े से हमने जो पहले ही रोस्ट करके रखा था ड्राई फ्रूट्स वो रख डाल देंगे और थोड़ा हम इसमें गार्निश के लिए बचा देंगे। आर किनुआ पुडिंग इज रेडी। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि वो केसर और इलायची की खुशबू बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम इसको अपने इस सर्विंग बाउल में डालेंगे और सर्व करेंगे गर्म या ठंडा जैसा भी आप चाहेंगे।